आंधी तूफान से यमुनानगर के गांव बुढ़िया स्थित सदियों पुराने बीरबल के किले की दीवार ढह गई, जिससे पास खड़ी दो कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। सैकड़ों साल पहले बने इस बीरबल के किले के आसपास के रहने वाले निवासियों के अनुसार मंगलवार देर शाम आंधी तूफान के चलते ये दीवार गिरी तो पास में खड़ी दो कारों के ऊपर ईंटें भर भरा कर गिरी। इसके चलते खड़ी दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। जब बरसात आई है तो ये दीवार सर, गाड़ियाँ हमारी रोज की तरह यहाँ खड़ी होती थी, सारे पड़ोसियों की गाड़ियाँ यहीं खड़ी होती हैं, तो कल शाम के टाइम जब बरसात आई है तो ये बरसात आने से ये जो बरसात अपना ये दीवार है ये गिर गई सर गाड़ियों पे। सर गाड़ी सारी डैमेज हो चुकी है, यानी कि कुछ नहीं बचा गाड़ी में सर। और ये शुक्र मानो कि सर अभी जो है गली में से कोई आ जा नहीं रहा था बरसात की वजह से। ये तो यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, साइकिल लेके घूमते हैं, बैडमिंटन वगैरह बच्चे यहाँ खेलते हैं, तो जो जान माल का था वो बचाव हो गया सर उससे। लेकिन दो गाड़ियों का नुकसान हुआ है सर, मेरी गाड़ी तो बिल्कुल टोटल डैमेज हो गई है सर, साथ में एक और गाड़ी खड़ी है, इनका भी बहुत नुकसान हो चुका है सर। किसका किला है? पुराना किला, ये बीरबल के टाइम से चलता आ रहा है सर। ये जो दीवार है, ये दीवार एक्चुअल में क्या है, छोटी ईंटों की बनी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, बिना फाउंडेशन के, कोई फाउंडेशन नहीं हुई सर इसकी, इन्होंने इसी दीवार के ऊपर एक और दीवार बना दी सर। वो दीवार जो है काफ़ी समय पहले घूम गई मीन्स कि अपने बैलेंस से बाहर आ गई थी सर, यानी कि दीवार। तो इन्होंने देख भी लिया कि दीवार जो है घूम चुकी है, हमें इसकी जो है इसका करवाना चाहिए कुछ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करवाया सर, कोई इसकी रिपेयर वगैरह नहीं करवाई। अब जब शाम के टाइम तूफान आया तो ये गाड़ी गिर गई सर आगे दीवार सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।